चाचू। क्या बात है चाचू? वो कुछ पैसे चाहिए थे। अब किस लिए चाहिए तुझे पैसे? तेरा सारा खर्चा तो उठा रखा है मैंने। चाचू वो कोचिंग में सर ने कुछ बुक्स लाने के लिए बोला है। कोई पैसा नहीं मिलेगा तुझे। तेरे माँ बाप तो मर गए और ये सरदर्द छोड़ गए मेरे लिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। अच्छा पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे हाँ बेटा एक मिनट रुको। बेटा ये कुछ पैसे रख ले, कॉलेज में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है पापा अब मैं चलती हूँ, बाय। अरे प्रिया तुम पैकिंग कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? अरे तुझे पापा ने बताया नहीं, इस बार हम वेकेशंस पे गोवा जा रहे हैं। I'm so excited. बेटे प्रिया, वो तुमने अपने वो शूज नहीं पैक किए अभी तक? अरे वो तो मैं भूल ही गई। जाओ 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 फटाफट जाओ। अभी करती हूँ। चाचू मैं भी जल्दी से जाके पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, एक तो तुम्हें मुफ्त में इस घर में पाल रहे हैं, क्या इतना काफी नहीं है कि जो छुट्टियों में मैं तुम्हें गोवा भी घुमा के लाऊं? पर चाचू बोल दिया ना, वैसे भी ये फैमिली हॉलिडे है तो फैमिली वाले ही जाएंगे। अरे तुम अभी तक गए नहीं पैकिंग करने? प्रिया बेटा निशा हमारे साथ नहीं आ रही है। क्यों? अरे उसके कॉलेज का कोई असाइनमेंट है। कोई बात नहीं तुम अपनी पैकिंग करो। अरे बेटा पापा गेस व्हाट? व्हाट? पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई किस खुशी में, क्या हो रहा है? आप मानोगे नहीं मुझे बैंगलोर से जॉब का ऑफर आया है। अरे वाह शाबाश बेटा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एक्चुअली तुमने आज मेरा ना गर्व से सीना चौड़ा कर दिया बेटा। अब तो मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगी। ये दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हो जाओगी, अच्छे से संभाल तो पाओगी अपने आप को? हाँ हाँ पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अब मेरी बात सुनिए, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ फिर हम दोनों पार्टी करने चलेंगे। ठीक है बेटा। तुम हो चाचू? चाचू ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। क्या ये किस लिए? चाचू मेरी यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। ये तो बहुत अच्छा है, मेरा पीछा छूटेगा तुझसे और ना ही मुझे अब तेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। पर चाचू आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरा बचपन बीता इस घर में, ये घर मेरा भी तो है ना। सुनो ये घर ना तुम्हारा कभी था ना है और ना रहेगा, इसलिए अपना सामान उठाओ और चुपचाप निकलो यहाँ से। पर चाचू तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता क्या? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। आशीष बोलो। हेलो सर, आज बैंक ने हमारा बिजनेस सील कर दिया है, हमारे बिजनेस का दिवालिया निकल गया है। क्या? लेकिन लेकिन आशीष ये सब इतना जल्दी, हम अपने बिजनेस को कैसे बचाएंगे यार? सर अगर अपने बिजनेस और घर को बचाना है तो जल्द से जल्द 50 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे, वरना सब खत्म हो जाएगा। 50 लाख? मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? मैं अपनी सारी सेविंग भी जोड़ लूं तो 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा। सर मैंने सारे बैंक में जाके पता किया है पर कोई भी बैंक हमें लोन देने को तैयार नहीं है। ठीक है आशीष मैं ही देखता हूं कुछ।
हेलो प्रिया बेटा, एक प्रॉब्लम है। हाँ पापा, जल्दी बोलो, मैं ऑफिस में हूँ। बेटा मुझे अपना घर और बिजनेस बचाने के लिए कम से कम 30 लाख रुपयों की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी कोई हेल्प कर पाओगी? तुम्हारे पास तो कुछ सेविंग पड़ी होगी ना? क्या पापा, मैं इतने पैसे आपको नहीं दे सकती, और वैसे भी अब मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गई हूँ, तो उस घर को रख के करना भी क्या है? बेटा उस घर में मैं भी रहता हूँ। तो पापा आपके लिए कोई किराए पे मकान देख लेंगे, और वैसे भी अब आपका बिजनेस ना आउटडेटेड हो गया है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इस कबाड़ पे लगा सकूं मैं। बेटा इसी बिजनेस के सहारे तुम यहाँ तक पहुंची हो, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? छोड़ो पापा, आपसे बहस करने का ना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी मीटिंग है। बेटा, अरे बेटा, निशा तुम यहाँ? चाचू मुझे आपके बारे में प्रिया ने बताया, अब ठीक तो है ना? हाँ निशा, आओ तुम पहले अंदर। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरा घर, मेरा बिजनेस, सब कुछ मुझसे छिन रहा। चाचू संभालिए अपने आप को, ये लीजिए पानी पीजिए। चाचू आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। तुम मतलब तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? चाचू आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगी। बेटा मैंने आज तक तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, मेरी खुद की बेटी, मेरी खुद की बेटी इसी देश में है, लेकिन आज मेरी मुसीबत में वो भी मुझसे मिलने नहीं आई। पर एक तुम हो जो इतना सब हो जाने के बाद भी मुझसे मिलने अमेरिका से वापस चली आई। चाचू ये बिजनेस और ये घर आपने अपनी मेहनत से बनाया है, यहाँ मेरा और प्रिया का बचपन बीता है, इसको बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। निशा बेटा तुमने आज मुझे समझा दिया कि मेरी एक नहीं मेरी दो दो बेटी है। बेटा बोलो हैप्पी डेटी।